हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ गूगल का एक ऐसा एप्लीकेशन जिससे कि अगर आपने अपने फ़ोन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, फिर उसके बाद अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है तो आप अपने फ़ोन का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं उस एप्लीकेशन से। या फिर किसी जानने वाले का फ़ोन हो, आपके किसी रिलेटिव्स का फ़ोन हो, किसी का भी अगर फ़ोन अगर खो जाता है तो उस एप्लीकेशन के थ्रू आप उस फ़ोन का अपना लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। अपने खोए हुए मोबाइल पे आप कोई मैसेज छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो अपने खोए हुए मोबाइल का सारा डेटा इरेज कर सकते हैं आप अपने घर बैठे बैठे किसी भी मोबाइल से इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। जैसे आप प्ले स्टोर अपना ओपन करेंगे, मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। ये रहा प्ले स्टोर, मैंने ऑन कर लिया है। प्ले स्टोर पे आपको यहाँ टाइप करना है फाइंड माई डिवाइस, लिखना है आपको जैसा मैं लिख रहा हूँ फाइंड माई डिवाइस। ये जैसे लिखेंगे आपको देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ गया गूगल फाइंड माई डिवाइस, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको इस तरह का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके फ़ोन पर। अब ये देख रहे हैं आप हमारे फ़ोन में जो है पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए हमें सिर्फ ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये डाउनलोड नहीं होता तो फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता, उसके बाद ही इंस्टॉल होता। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में जो है ये इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जो अपने फ़ोन में जो मेल आईडी पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं आपको वो मेल आईडी पासवर्ड यहाँ डालना है। जैसा देख रहे हैं मैंने मेल आईडी डाल दिया है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है जो आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने मेल आईडी का फ़ोन में। इसके बाद आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, देखिए साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आपके इस मेल आईडी से जितना भी आपका फ़ोन चल रहा होगा वो सारा आपका फ़ोन दिखा देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये दिखा रहा है, दो फ़ोन चल रहा है हमारे इस मेल आईडी से। एक ही ओप्पो का फ़ोन था जो अभी बंद है, ये दूसरा फ़ोन दिखा रहा है आपको यहाँ पर जो गैलेक्सी J8 है, जो इन योर हैंड, जो मेरा अभी हैंड में है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है गैलेक्सी J8 इन योर हैंड, ये मेरे हाथ में फ़ोन है। उसके बाद इसमें कितना परसेंट बैटरी है, 76% बैटरी है। उसके बाद जो कौन सा वाईफाई कनेक्ट है हमारे फ़ोन में, ये वाईफाई का भी नाम आ रहा है जो मैं चला रहा हूँ। उसके बाद इसका लोकेशन भी आपको आपके सामने दिखा रहा है कहाँ पर ये फ़ोन है, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ का लोकेशन भी दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपना फ़ोन का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन खो जाए तो। उसके बाद आप नीचे देखेंगे प्ले साउंड का ऑप्शन है, एक सिक्योर डिवाइस का ऑप्शन है। अगर आपका मान के चलें ये फ़ोन कहीं खो जाता है आपका, या फिर आपने फ़ोन कहीं ऐसी जगह रख दिया घर में जो आपको मिल नहीं रहा है, या फ़ोन साइलेंट है, अगर फ़ोन साइलेंट भी होगा आपका ध्यान रखें, अगर फ़ोन अगर आपका साइलेंट भी होता है, अगर आपको फ़ोन मिल नहीं रहा है तो आप इसमें जो प्ले साउंड का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फ़ोन साइलेंट कहीं भी रखा होगा आपके फ़ोन में, फुल वॉइस में जो भी आपका वॉइस है फ़ोन का रिंगटोन का, फुल साउंड के साथ आपका रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगा उसमें। इसके बाद नीचे सिक्योर डिवाइस जो देख रहे हैं आप, सेकेंड ऑप्शन, ये सिक्योर डिवाइस वाले पर क्लिक करेंगे आप। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है लॉक स्क्रीन मैसेज। यहाँ पे आप कोई सा भी मैसेज डाल के उस मोबाइल पे भेज सकते हैं कि जिनके पास भी फ़ोन होगा उनके पास वो मैसेज चला जाएगा कि जैसे कि प्लीज़ ऐसे आपका अगर फ़ोन अगर उनसे लेना हो तो प्लीज़ माई फ़ोन इज़, आप उनको बोल सकते हैं, यहाँ टाइप कर सकते हैं प्लीज़ रिटर्न माई मोबाइल। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सिक्योर डिवाइस पर जैसे क्लिक करेंगे उनके नंबर पे वो मैसेज चला जाएगा। फिर वो फ़ोन जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप अपना लॉक ना खोल लें, तब तक वो फ़ोन नहीं खुल सकता आपका उनके हाथ से। इसके बाद नेक्स्ट मान के चलिए आपको किसी रिलेटिव्स का या फिर किसी फ्रेंड का अगर फ़ोन खो जाता है या कहीं पे छूट जाता है तो उसका लोकेशन आप कैसे ट्रैक करेंगे। इस ऑप्शन से अभी तक तो आपने अपना फ़ोन का लोकेशन देख लिया कैसे आपको देखना है। तो आपको अगर नेक्स्ट अगर फ़ोन का अगर आपको अपना किसी फ्रेंड का या रिश्तेदार का अगर आपको फ़ोन का अगर लोकेशन ट्रैक करना है तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ ऊपर में जो राइट साइड में 3 डॉट बना हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्विच अकाउंट पर क्लिक कर देना है। स्विच अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू टू आपका जो मेल आईडी है वो नाम आ जाएगा, अब प्लस नेक्स्ट आ रहा है साइन इन ए गेस्ट। तो साइन इन ए गेस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन ए गेस्ट पर क्लिक करेंगे आपका ये नया पेज खुल करके आ जाएगा। जैसे ही पेज खुल करके आएगा अब आपको यहाँ पे वो वाला मेल आईडी डालना है जिस
का आप जो है फ़ोन ढूंढने जा रहे हैं, जिसका लोकेशन आप ट्रैक करने जा रहे हैं, जिसके फ्रेंड का हो चाहे रिश्तेदार का हो, तो आप यहाँ पे उनका मेल आईडी डाल देंगे। जैसा कि मैं मेल आईडी डाल दे रहा हूँ, मेल आईडी डाल दिया हूँ, उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपको उस फ़ोन का पासवर्ड डाल देना है, जो उनका पासवर्ड है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए जिस फ़ोन का आपने डिटेल डाला है, मेल आईडी डाला है, उसका भी सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। अभी ये देख लीजिए, उस फ़ोन का लोकेशन ऑफ है। ये चीज़ का ध्यान हमेशा रखें, आप हमेशा अपने फ़ोन का लोकेशन ऑन रखें, ताकि आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हो, खो जाए कहीं भी, तो आपका लोकेशन ट्रैक हो सके। अब इसका लोकेशन तो हम नहीं ट्रैक कर पाएंगे, लेकिन ये देख लीजिए सारा फ़ोन का डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है। 45% ये बैटरी चार्ज है, जियो 4G का नेट चल रहा है इस फ़ोन में, जियो का सिम डला हुआ है, ये फ़ोन का मॉडल नंबर है। अब आप यहाँ से चाहें तो उसका सारा प्ले साउंड करके आप उसका जो भी है उसका साउंड, अगर फ़ोन साइलेंट पड़ा हुआ है या किसी ने चोरी कर लिया है, तो आप यहाँ से उसका साउंड बजा सकते हैं। साउंड बजा करके आप अपना फ़ोन ढूंढ सकते हैं। उसके नीचे सिक्योर डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो वही है जो मैसेज करना चाहते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, अपना नंबर भेज सकते हैं। ये भेजने के बाद आप यहाँ सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो मैसेज उनके पास में चला जाएगा, आपका नंबर चला जाएगा, जो भी आप नंबर डालेंगे वहाँ से वो डायरेक्ट आपको कॉल कर सकते हैं उस नंबर से, जो भी नंबर आप यहाँ से भेजेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं इरेज डिवाइस पे। इरेज डिवाइस पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो आपके फ़ोन में जो भी डेटा है, आपका फ़ोन चोरी हो गया, आपको लगता है अभी मिलने वाला नहीं है फ़ोन, तो आप इरेज डिवाइस पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन का सारा डेटा ख़त्म कर सकते हैं, जो भी आपके काम की चीज़ है। फिर वो फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा, आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं रहेगा, डेटा आपका सारा का सारा डेटा आपका इरेज हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपना फ़ोन या फिर अपने फ्रेंड का फ़ोन या किसी भी रिलेटिव्स का फ़ोन जो है आप लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स गूगल की तरफ से एक एप्लीकेशन, इस जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक।